नमस्कार दोस्तों, नित्विक क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करेंगे जो अपना टॉपिक चल रहा था, टॉपिक अपना चल रहा था नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। अपना टॉपिक चल रहा था संख्या पद्धति, इसी को अपन क्या बोलेंगे, नंबर सिस्टम। बात समझ में आ गई। ये स्पेशल आपका क्या है, बैच पशु परिचर का। अपना टॉपिक कौन सा चल रहा था, संख्या पद्धति, इसी को अपन क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम। देखो इससे पहले अपना एक टॉपिक क्लियर हो चुका, कंप्लीट हो चुका, कौन सा, प्रतिशत। अगर आपने वो नहीं देखा तो पीछे क्लास देख लेना। अपना सिस्टम क्या रहता है, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा आपको, बिल्कुल छोटी छोटी चीजें। जिसने मैथ पहले से नहीं पढ़ रखी है तो उसके लिए तो बहुत ही अच्छा बैच साबित होगा। बात समझ में आ गई। बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ते चलेंगे और एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। ये स्पेशल जो बैच है आपका पशु परिचर का बैच है, इसका एक टॉपिक हो गया है अपना कंप्लीट। ये दूसरा टॉपिक क्या है, कंप्लीट होने वाला। बात समझ में आ गई। ये टॉपिक थोड़ा लंबा इसलिए चला है क्योंकि ये क्या बेसिक टॉपिक है, ये सभी में क्या आएगा, काम आएगा। बात समझ में आ गई। तो अपना टॉपिक है संख्या पद्धति। चलो तो अपन बात कर लेते हैं। इससे पहले अपन ने संख्याओं के डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था, बाध्यता का नियम पढ़ा था, वो आपने देखा होगा। बात समझ में आ गई आपके, तो आज अपन उससे आगे बात कर लेते हैं संख्याओं के बारे में। हर बार क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है और ये आपकी जो भर्ती है पशु परिचर की भर्ती, तो इसमें भी देखो क्या है, 10th लेवल है, तो इसमें भी क्या है, क्वेश्चन ज्यादा हार्ड आने की संभावना नहीं है, बिल्कुल इजी इजी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो अपन क्या सभी टाइप के क्वेश्चन करेंगे, जिससे क्या है एग्जाम में आपके बिल्कुल भी कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए। ये अपन क्या पूरा बैच करेंगे पशु परिचर का। अगर ये बैच आपने ढंग से पढ़ लिया, पूरी क्लासे ले ली, रिविजन कर लिया, तो मैथ के अंदर आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बात समझ में आ गई। तो अपन क्या सभी टाइप के क्वेश्चन करेंगे, सभी टाइप के क्वेश्चन करेंगे तो क्या है, एक दो क्लासे हर टॉपिक की क्या ज्यादा से ज्यादा क्या दो क्लासे ज्यादा हो जाएंगी, एक घंटे का क्या थोड़ा सा समय और लग जाएगा, लेकिन उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। बात समझ में आ गई। इस बैच से बाहर क्वेश्चन आने की संभावना बिल्कुल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अपन बात करते हैं आज संख्याओं के बारे में। किसके बारे में, संख्याओं के बारे में, संख्याओं के बारे में बात करते हैं। जैसे बात समझ में आ गई, जैसे आपको पूछे एक अंक की संख्या, एक अंक की कुल कितनी संख्या होती है, एक अंक की संख्या कितनी होती है कुल बताओ। देखिए मेरे को क्वेश्चन आ जाए एक अंक की कुल कितनी संख्या होती है, तो आप सभी को पता होगा एक अंक की कुल कितनी संख्या होती है, इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए। या फिर आ जाए एक अंक की क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, देखो आपको बताऊंगा, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। देखो बिल्कुल क्या है, इजी क्वेश्चन है। अगर आपने पहले से पढ़ रखे हैं तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एक बार पढ़ लिए तो आपके क्या कभी भी नहीं भूल पाओगे। बात समझ में आ गई, लेकिन आपको पढ़ना जरूरी है। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, ये आ जाए क्वेश्चन, सबसे बड़ी संख्या तो क्या होगी, ये बताओ मेरे को, आंसर देते जाओ आप लोग, जिसको आ रहा है, जिनको नहीं आ रहा है वो शांति से बने रहे, आंसर मैं देता रहूंगा और इस प्रकार से समझाऊंगा आगे, आपके कभी इस प्रकार की जो क्वेश्चन आएंगे उनमें कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। बात समझ में आ गई। आगे बात कर लेते हैं एक अंक की, एक अंक की सबसे छोटी संख्या, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, आपने देखा होगा, सबसे छोटी संख्या। देखो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, तो एक अंक की कुल कितनी संख्या होती है, एक अंक की कुल कितनी संख्या होती है आपको पता होगा, एक अंक की संख्या कौन कौन सी होती है, देखो उसकी अपन बात कर लेते हैं। एक अंक की देखो संख्या कौन कौन सी होती है, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह, इस प्रकार से होती है क्या, नहीं होती। देखो एक अंक की, देखो अंक कहाँ तक, एक अंक की संख्या कहाँ तक होती है, एक से लेके नाइन तक। बात समझ में आ गई, एक से लेके नाइन तक, देखो ये एक अंक की संख्या, इनमें देखो दो अंक आ गए, दस में क्या आ गए, दो अंक आ गए। बात समझ में आ गई, दो अंक कौन से हो गए, वन हो गए, जीरो हो गए। ग्यारह में भी दो अंक हो गए, क्या हो गया, ग्यारह, एक और एक कितने हो गए, देखो एक और एक दो अंक हो गए ना, तो ये नहीं होती। एक अंक की कुल कितनी संख्या होती है आपके पास, एक से लेके नौ तक, तो इनको काउंट करोगे तो एक अंक की कुल कितनी संख्या हो जाएंगी आपके पास, नौ संख्या हो जाएंगी। एक अंक की कुल कितनी संख्या हो गई, नौ संख्या हो गई, कितनी संख्या हो गई, नौ संख्या। कौन कौन सी हो गई ये आपको पता चल गया, एक से लेके नौ तक कुल कितनी संख्या है, नौ संख्या है। ये एक से लेके नौ तक एक अंक की संख्या, बात समझ में आ गई। देखो इन सभी में क्या है, एक एक अंक है, एक है दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ,
इन सभी में क्या है, एक अंक है। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए एक अंक की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, तो एक अंक की कुल कितनी संख्याएं होती है, नौ संख्याएं होती है। बात समझ में आ गई, कितनी संख्याएं होती है, नौ संख्याएं होती है। अब देखो अगला क्वेश्चन का आंसर तो आप दे पाओगे, अगर मैंने ये लिख दिया तो आपको सभी को पता चल गया कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई। अब देखो ये एक अंक की कुल संख्याएं हैं कितनी, नौ संख्याएं हैं, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो इसका आंसर आप खुद दे पाओगे। बात समझ में आ गई, मैं आपको बेसिक चीजें समझा दूंगा, बाकी क्या है इससे समझाने से आपको क्या होगा, फायदा ये होगा कि बाकी के आंसर आप दे पाओगे। जैसे यहाँ पे आपने देख लिया, मैंने लिख दिया एक अंक की संख्या ये है, एक से लेकर नौ तक क्या है, एक अंक की संख्या है, कुल नौ संख्या है, ये मैंने आपको बता दिया। अब क्वेश्चन आए एक की सबसे बड़ी संख्या, तो आप सभी का आंसर आ गया होगा। मेरा बताने का मतलब यह हुआ कि आपको आंसर इसका आ रहा होगा। बात समझ में आ गई, तो इनमें से देखो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, नाइन हो जाएगी। बात समझ में आ गई, एक से लेके नौ तक इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, नाइन है। तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, नाइन हो गई, क्या हो गई, नाइन हो गई। बात समझ में आ गई, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आगे बात करें, क्वेश्चन मैंने अगला क्या दिया है, एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो इसका आंसर भी आपको आ रहा है। चलो जिसको आंसर आया वो क्या कमेंट में लिखते चलो भाई। तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, ये एक अंक की कुल संख्या है अपने पास, नाइन संख्या है, तो इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है बताओ देखिए मेरे को, नाइन है क्या, नाइन तो सबसे बड़ी है, तो सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, वन हो जाएगी। बात समझ में आ गई, तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो गई, वन हो गई। एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो गई, वन, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। देखो एक बार दोबारा बताओ, एक अंक की कुल कितनी संख्या हो गई, एक अंक की कुल संख्या कितनी हो गई, नौ हो गई। नौ किस प्रकार से, कौन कौन सी हुई, एक से लेकर अपन नौ तक चलेंगे, तो कुल संख्या कितनी हो गई, नौ संख्या हो गई। तो एक अंक की कुल कितनी संख्या हो गई, नौ हो गई। बात समझ में आ गई, कौन सी संख्या, यह मैंने यहाँ पे आपको लिख दी। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या था, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या। अब मैंने एक अंक की पूरी संख्या ही लिख दी आपके सामने बोर्ड पे, तो इनमें से देखो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, नाइन है। इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या, नाइन है। बात समझ में आ गई, और सबसे छोटी पूछे तो क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। इन सभी में देखो एक एक अंक आ रहा है, इसमें भी एक अंक है, इसमें भी एक अंक है, इसमें भी, सभी में। इससे आगे जैसे नौ से आगे चलते हैं देखो क्या हो जाता है, दस होता, तो दस में देखो कितने अंक है, इसमें क्या है, दो अंक है, इसमें कितने अंक है, दो अंक। बात समझ में आ गई, तो एक अंक की संख्या कहाँ तक आती है, एक से लेकर नौ तक क्या है, एक अंक की संख्या है। तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी, और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछे तो आपको क्या हो जाएगी, नाइन हो जाएगी, और एक अंक की कुल संख्या ही पूछे तो कितनी आ जाएंगी, नौ आ जाएंगी। बात समझ में आ गई, तो चलो एक बार इसको नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन और भी जैसे टाइप से आ सकता है, इसमें किस प्रकार से आएगा, एक से लेकर नौ तक संख्याओं का औसत कितना होगा, तो आप सॉरी इस प्रकार से नहीं आएगा, इस प्रकार से आएगा एक अंक की संख्याओं का औसत, एक अंक की संख्याओं का औसत कितना होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन सभी संख्याओं का जोड़ना होगा, इन सभी संख्याओं को ऐड करके और नौ का भाग दे देना, तो वो क्या हो जाता है, औसत हो जाता है। योग पूछे कि एक अंक की संख्याओं का योग क्या होगा, तो एक अंक की संख्या आपको पता है कि एक अंक की संख्या एक से लेकर नौ तक होती है, तो इनका क्या कर देना, टोटल कर देना, इनका योग कर देना, वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको मेनली ये ध्यान रखना चाहिए कि एक अंक की संख्या कौन कौन सी होती है। बात समझ में आ गई अच्छे से, तो चलो एक बार इसको नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बात कर लेते हैं, देखो क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, दो अंक की सबसे छोटी संख्या, क्वेश्चन क्या है, दो अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी। आगे बात करें, दो अंक की सबसे बड़ी संख्या, क्या पूछा आपको, दो अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर वन हो गया, ये टू हो गया, ये क्या हो गया, थ्री हो गया। दो अंक की कुल संख्या, इसका आंसर दो मेरे को क्या है, क्वेश्चन क्या है,
दो अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, दो अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, और दो अंक की कुल कितनी संख्या है, ये क्वेश्चन है। तो इसके आंसर क्या क्या होंगे बताओ देखिए मेरे को। देखो दो अंक की सबसे बड़ी संख्या और दो अंक की सबसे छोटी संख्या और दो अंक की कुल कितनी संख्या होगी। अब आपको सबसे पहले मैं बताऊं कि दो अंक की संख्या वो किससे स्टार्ट होती है और कहां तक चलती है। देखो नौ तक क्या आ गई, एक से लेके नौ तक तो क्या आ गई, एक अंक की आ गई, बात समझ में आ गई। अब नौ से आगे बढ़ते क्या हो जाएगा, नौ से आगे क्या आएगा, दस आएगा। दस में क्या हो गए, दो अंक हो गए। दो अंक कौन से हो गए, दस हो गया, सॉरी दस में क्या हो गया, एक हो गया और जीरो हो गया, एक हो गया दो हो गया। तो ये क्या हो गई, दो अंक की। दस से स्टार्ट करेंगे, दस से ग्यारह बारह तेरह इस प्रकार से चलते चलते कहां तक जाएगा मेरे को बताओ। देखिए इससे चलते चलते 98 आ गया, 99 आ गया, इससे आगे क्या आ जाएगा 100, इससे आगे क्या आ गया 100। तो 100 देखो क्या है, 100 में कितने अंक है, 100 में है तीन अंक। 100 में तीन अंक कौन से हो गया, वन हो गया, जीरो हो गया और जीरो हो गया, तो इसमें आ गए तीन अंक। तो 99 तक क्या हो गई, दो अंक की संख्या हो गई। स्टार्ट कहां से हुई, 10 से। 10 से जो पहली संख्या वो थी क्या थी, 9 थी। तो 9 कौन कितने अंक की है, 9 है एक अंक की। तो 10 से स्टार्ट हुई दो अंक की संख्या और कहां तक आती है, 99 तक। 99 से आगे कौन सी संख्या आती है आप सभी को पता है, 100 आता है। तो 100 में कितने अंक है, 100 में अंक है 3। तो 1 से लेकर 99 तक कुल कितनी संख्याएं हैं, तो 1 से लेकर 99 तक संख्याएं हैं ये क्या है, दो अंक की। तो इससे आपका आंसर क्या आ जाएगा, दो अंक की सबसे छोटी संख्या। तो इनमें से देखो दो अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 10 11 12 इस प्रकार से ये संख्याएं हैं। तो इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी आप बताओ देखिए। तो आपका आंसर आ जाना चाहिए अभी तक, तो कमेंट में लिखते जाओ दो अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी आपके, 10 हो जाएगी। क्या हो गई, 10 हो गई। आगे बात करें दो अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो ये जो आपको दो अंकों की जो संख्याएं दिख रही है, दो अंकों की संख्या 10 से स्टार्ट होती है और 99 तक चलती है, बात समझ में आ गई। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी आपके हिसाब से बताओ देखिए मेरे को देख के। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या आपके आ जाएगी 99 आ जाएगी। क्या आ गई, 99। 99 क्या आ गई, दो अंक की सबसे बड़ी संख्या। तो दो अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या आएगी, 99। क्या हो गई, 99, बात समझ में आ गई। आगे बात कर लेते हैं अपन कि दो अंक की कुल कितनी संख्याएं हैं। ये थोड़ा सा आपके लिए टफ सवाल है, लेकिन टफ नहीं होगा, मैं बताऊंगा जो तरीका बताऊंगा उस तरीके से आप करोगे तो कितनी भी संख्याएं पूछ ले, चार अंक की पांच अंक की, उनमें आपकी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो अपन बात कर लेते हैं एक से लेके 99 तक, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एक से लेके 99 तक कुल कितनी संख्याएं हो गई आप सभी को पता है, एक से लेके 99 तक कुल कितनी संख्याएं हो गई, 99 संख्याएं हो गई। कुल कितनी संख्या हो गई, 99, बात समझ में आ गई। अब देखो एक से लेके 9 तक, एक से लेके अपन 9 तक की बात करेंगे, तो एक से लेके 9 तक कुल 9 संख्याएं हैं और वो क्या है, एक अंक की संख्या है, बात समझ में आ गई। 9 से आगे जो संख्याएं हैं वो क्या है, दो अंक की संख्या है। तो एक से लेके 9 तक तो कुल कितनी संख्या होगी, 99 संख्या होगी, बात समझ में आ गई। एक से लेके एक से यहां लिख देता हूं, एक से 99 तक कुल 99 संख्या होगी। अब देखो इसमें से एक अंक की संख्या कितनी आ गई, एक अंक की संख्या कितनी आ गई, एक अंक की संख्या आ गई इसमें 9 आ गई। एक अंक की कुल कितनी संख्या आ गई, 9 आ गई। एक अंक की संख्या कौन सी हो गई, एक बार दोबारा बताऊं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9, 9 तक की कुल कितनी संख्या हो गई, 9। तो एक अंक की संख्या कितनी है, 9, बात समझ में आ गई। एक से लेकर 99 तक संख्या कितनी है, 99, और इनमें से क्या है, एक अंक की संख्या कितनी है, 9 है। तो 9 को अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 9 को माइनस क्यों करेंगे, कि जो कुल संख्याएं हैं उनमें से एक अंक की संख्या घटा देंगे। सॉरी कुल संख्या कितनी अपने पास, एक से लेकर 99 तक 99 संख्या है, इनमें से अपन क्या एक अंक की संख्या घटा देंगे। एक अंक की संख्या कितनी है, 9 है, कितनी है, 9 है। तो 99 से अपन 9 घटाएंगे तो अपने पास क्या बच गया, 0 बच गया और 9 बच गया। तो ये जो बाकी संख्याएं बच गई ये कौन सी बची अपने पास, दो अंक की। देखो एक से लेकर 99 तक कुल कितनी संख्या है, 99 संख्या। 99 संख्याओं में एक अंक की संख्या कुल कितनी है, 9 संख्या है। एक अंक की संख्या कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9। तो ये 9 संख्या क्या हो गई, एक अंक की हो गई। तो अपन क्या करेंगे, जो कुल संख्याएं हैं उनमें से एक अंक की संख्या घटा देंगे तो अपने पास बाकी क्या बच जाएंगी, दो अंक की संख्या। तो इनमें से क्या क्या, कुल संख्या एक से लेकर 99 तक कुल संख्या कितनी है अपने पास, 99 है। इसमें से एक अंक की संख्या कितनी है, 9 है। तो अपन क्या करेंगे, जो कुल संख्याएं हैं, कुल संख्याएं 99, इसमें से एक अंक की संख्या अपन ने घटा दी। देखो यहां से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3
चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह, इस प्रकार से कहां तक, 99 तक अपने पास संख्या है। बात समझ में आ गई? तो इसमें से अपन ने अलग कर दी कितनी, 9 संख्या अलग कर दी। यहां से लेके यहां तक देखो कुल कितनी संख्या, 99 संख्या। यहां से लेके यहां तक देखो 99 संख्या, इनमें से अपन ने माइनस कर दी कौन सी, ये 9 संख्या माइनस कर दी। 99 से अपन ने ये 9 संख्या माइनस कर दी यहां से लेके यहां तक की, तो अपने पास कौन सी बच गई, ये बच गई। तो 99 से अपन ये संख्या माइनस करेंगे 1 से लेके 9 तक की, तो 99 माइनस क्या हो जाएगा, 9। तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा, 90। 90 क्या आ गई, दो अंक की संख्या आ गई। 10 से लेके 99 तक कुल कितनी संख्या है, 90 संख्या। ये संख्या क्या हो गई, दो अंक की। बात समझ में आ गई अच्छे से? तो दो अंक की कुल कितनी संख्या हो जाएंगी आपके, 90। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। बात समझ में आ गई? चलो एक बार दोबारा देखो, दो अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी आपके पास, 10 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 10। किस प्रकार से हुई, देखो 9 तक तो क्या है, एक अंक की संख्या, 9 से जस्ट आगे वाली संख्या क्या आती है, 10। तो 10 में क्या आ गए, दो अंक आ गए। तो दो अंक की सबसे छोटी संख्या क्या आ गई, 10 आ गई। आगे बात करते हैं अपन दो अंक की सबसे बड़ी संख्या। तो दो अंक की देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 99। 99 के बाद में क्या आता है, 100 आता है। 100 में अंक कितने आ गए, इसमें 3 अंक आ गए। 100 में कितने अंक आ गए, 3। अपने को चाहिए दो अंक की सबसे बड़ी, तो दो अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 99। 99, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 99। बात समझ में आ गई अच्छे से? आगे बात करते हैं दो अंक की कुल कितनी संख्या हो जाएगी। अब देखो मैंने क्या बताया, एक से लेके 99 तक कुल कितनी संख्या, 99 संख्या। कुल संख्या कितनी हो गई, 99। अब मैं क्या करूंगा, जो एक अंक की संख्या उसको घटा दूंगा, कुल संख्याओं में से एक अंक की संख्या घटा दूंगा, तो मेरे पास क्या बच जाएगी, दो अंकों की संख्या। कौन सी, 10 से लेके 99 तक की। तो मैं क्या करूंगा, 99 से मैंने क्या किया, 9 को घटा दिया। 9 को क्यों घटाया, क्योंकि 9 क्या है, 9 संख्या है एक एक अंक की। अपने को चाहिए कितने अंक की, दो अंक की। तो 99 माइनस 9 करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 90। तो आपका आंसर क्या रहेगा, 90। बात समझ में आ गई? तो देखो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, ये क्वेश्चन आपके गलत बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। एक बार आपने अगर ये समझ लिया तो बाकी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करोगे, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो कभी भी आपके क्या गलत नहीं होंगे। बात समझ में आ गई? तो नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ते हैं अपन। चलो आगे बात कर लेते हैं अपन। क्वेश्चन देखो किस प्रकार से आएगा, तीन अंक की सबसे छोटी संख्या। तो इसका आंसर दो मेरे को क्या, तीन अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी। क्वेश्चन सेकंड क्या रहेगा आपके पास, तीन अंक की सबसे बड़ी संख्या, तीन अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, तीन अंक की सबसे सबसे छोटी बड़ी तो कर ली, तीन अंक की कुल कितनी संख्या है, तीन अंक की कुल कुल कितनी संख्या है। देखो ये आपके क्या हो गए, क्वेश्चन हो गए। तो इसके आंसर दो मेरे को, जिस प्रकार से अपने पिछले क्वेश्चन किए थे उसी टाइप से क्वेश्चन हो जाएंगे। तीन अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तीन अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, और तीन अंक की कुल कितनी संख्या हो जाएगी। बात समझ में आ गई? तो देखो अपन बात कर लेते हैं इधर, देखो तीन अंक की संख्या किससे स्टार्ट होती है, देखो 99 क्या आती, दो अंक की संख्या थी। इससे जस्ट आगे चलेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 100 आ गया, 100 से आगे क्या आता है, 101 आ गया आपके, 102, इस प्रकार से चलता गया, क्या आ गया, 999। बात समझ में आ गई, 999। इससे आगे क्या आता है आपके, 1000 आता है। तो 1000 तो क्या हो गया आपके, 4 अंकों की संख्या हो गई। 1000 में देखो अंक कितने हो गए, 4 हो गए। तो तीन अंक की संख्या किससे स्टार्ट हुई, देखो 99 क्या है, दो अंक की संख्या है, ये क्या है, दो अंक की संख्या है। इसमें देखो कुल कितने अंक है, दो अंक है। बात समझ में आ गई? इससे आगे अपन बढ़े, क्या आ गया, 100 आ गया। तो 100 में देखो कितने अंक है, तीन अंक है।
100 में कितने अंक आ गए, 3 आ गए, 100, बात समझ में आ गई। तो 100 में अंक आ गए आपके 3, इससे आगे चले 101, 102, इस प्रकार से चलते गए 99 तक, 999 तक कुल कितनी संख्या है, 999 तक कुल 999 में कितने अंक है, 3 अंक है। अब 999 से अपन आगे बढ़ेंगे तो क्या आ गया, 1000 आ गया, इससे आगे क्या है, 1000। तो 1000 में देखो कुल कितनी संख्या है, इसमें कुल कितने अंक है, 4 अंक है। तो 3 अंक की संख्या देखो कहां से स्टार्ट हुई, आपके 100 से स्टार्ट हुई और 999 तक गई। तो ये देखो सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी हो गई, सबसे पहले अपन बात करेंगे सबसे छोटी संख्या की बात करें तो सबसे छोटी संख्या देखो क्या हो जाएगी आपके यहाँ पे, सबसे छोटी संख्या क्या हो गई, सबसे छोटी 3 अंक की संख्या पूछे तो क्या आ जाएगी आपकी, 100 आ जाएगी। किस प्रकार से है ये मैंने आपको बता दी। उससे आगे बात करें सबसे बड़ी संख्या, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछे तो इसका आंसर आपका क्या होना चाहिए, 999, 999। बात समझ में आ गई। तो ये क्या आ गई, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या आ जाएगी, 999, और 3 अंक की सबसे छोटी संख्या पूछे तो क्या आ जाएगी आपकी, 100 आ जाएगी। बात समझ में आ गई। अब देखो ये याद करो, देखे आप लोग 3 अंक की कुल कितनी संख्या है, 3 अंक की कुल संख्या कितनी है ये बताओ मेरे को, तरीका मैंने बता दिया आपको याद करने का किस प्रकार से याद करते हैं, तो आपका आंसर आ जाना चाहिए। चलो तो अपन बात कर लेते हैं, देखो 1 से 999 तक कुल कितनी संख्या है आप सभी को पता है, 1 से 999 तक कुल कितनी संख्या है, 999 संख्या है, कितनी संख्या है, 999। बात समझ में आ गई। अब देखो 1 से 99 तक संख्या कितनी है, 1 से 99 तक कुल 99 संख्या है, 99 संख्या कौन सी हो गई, 1 अंक की और 2 अंक की। देखो 99 संख्या क्या हो गई, 1 अंक की भी है इसमें, 1 से 99 तक इसमें 1 अंक की संख्या भी है और 2 अंक की भी संख्या है। तो देखो 1 अंक की 2 अंक की कुल कितनी संख्या हो गई आपके पास, 99 हो गई, कुल कितनी संख्या हो गई, 99। इसमें जो पूछे आपको 2 अंक की संख्या तो कितनी है, 90 है, 1 अंक की संख्या पूछे तो कितनी है, 9 है, 90 प्लस 9 कितनी हो जाएगी, 99। तो देखो 1 अंक की और 2 अंक की कुल कितनी संख्या हो गई आपके पास, 99। 1 से लेके 999 तक कुल कितनी संख्या है, 999। तो अपन क्या करेंगे, 1 से लेके 999 तक कुल संख्या है इसमें से अपन क्या करेंगे, 1 अंक की संख्या घटा देंगे और 2 अंक की संख्या घटा देंगे। 1 से लेके 999 तक कुल संख्या कितनी है, 999 संख्या है, इसमें से अपन माइनस कर देंगे, 1 अंक की संख्या माइनस करेंगे और 2 अंक की संख्या माइनस करेंगे, तो अपने पास क्या बचेगा, 3 अंक की संख्या ही बचेगी। कौन सी बची, 3 अंक की संख्या। तो अपन वो यही करते हैं, 999 माइनस 1 अंक की संख्या घटा देंगे और 2 अंक की, तो देखो 2 अंक की ये तो हो गई 2 अंक की, 2 अंक की संख्या कितनी है, 90 है, और 1 अंक की कितनी है, 9 है। तो दोनों को एक साथ ही ऐड कर लेते हैं, तो 1 अंक की 2 अंक की कुल कितनी संख्या हो गई, 99। तो 999 से अपन माइनस करेंगे 99, तो ये आ गया 0, ये भी आ गया 0 और ये आ गया 9। तो कुल कितनी संख्या हो जाएंगे आपके पास है, 900। तो ये क्या आ गया आपका आंसर। तो 3 अंक की कुल कितनी संख्या हो गई, 900 हो गई। बात समझ में आ गई। एक बार दोबारा देखो, 1 अंक की अपन ने बात की थी, 1 अंक की कुल कितनी संख्या है, 9 है, 2 अंक की कुल कितनी संख्या है, 90 है, और 3 अंक की संख्या कितनी आ गई, 900 आ गई। बात समझ में आ गई। 1 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या थी आपके पास, 1 थी, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या थी, 10, और 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो गई, 100 हो गई। अब देखो 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, 9 हो गई, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, 99, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, 999। इन सभी को क्या है, ये तो एक बार आपको मैं समझा रहा हूँ और शॉर्ट तरीके से आप सभी संख्याओं को समझाऊंगा तो आपके क्या आसानी से 10 सेकंड में सभी संख्याएं समझ में आ जाएंगी। तो एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। चलो तो भाई इसको करो नोट डाउन आप लोग। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अपने थोड़ा धीरे धीरे इसलिए चल रहे हैं, अपने पास टाइम क्या है अभी है अच्छा, शुरू में धीरे धीरे चलेंगे, आपको क्या है बातें समझ में आती जाएंगी, जो जो क्या अपन थोड़े जल्दी
चलते चलेंगे। बात समझ में आ गई? तो साथ साथ में क्या इसके नोट्स बना लिया करो और रिवीजन भी कर लिया करो, ताकि क्या क्लास से आपके आगे नहीं हो। तो अपन कोर्स कर लेंगे इसका आसानी से, मई तक तो आसानी से कर ही लेंगे कोर्स। उसके बाद में क्या चलेंगे आपकी टेस्ट सीरीज। अगर ये बैच आपने कंप्लीट कर लिया और आगे मेरे एग्जाम तक मेरे साथ बने रहे, तो पशु परिचर के अंदर आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बात समझ में आ गई? चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।